जी दोस्तों, हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं छुप छुप करते हुए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो ट्रेन के अंदर ज़रूर खाना खाया होगा, पर क्या होगा अगर ट्रेन खुद आपके लिए खाना लेके आए। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जोधपुर की एक ऐसी शानदार जगह जहाँ पर ट्रेन आपके लिए खाना सर्व करती है। तो चलिए, आज हम भी आए हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर और आपको दिखाते हैं कैसे ट्रेन यहाँ पर खाना सर्व करती है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इस ट्रेन वाले रेस्टोरेंट के अंदर। तो चलते हैं फटाफट। देख सकते हैं दोस्तों क्या खूबसूरत तरीके से इस रेस्टोरेंट के बनाया है। ये है पूरी एक टेबल और पटरियां देख सकते हैं आप। ये है दोस्तों यहाँ का मेन्यू। तो सबसे पहले हम मेन्यू देखते हैं। मेन्यू तो एक बार मैं आपको फटाफट से इस रेस्टोरेंट का वेजिटेरियन का मेन्यू दिखा देता हूँ। देखिए यात्रीगण अगर भी ध्यान दें, देखते जाइएगा दोस्तों। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट और ये रेस्टोरेंट का मेन्यू। खाना पहले सोन दी, खाना पहले सोन दी, मिट्टे के चिट्ठों के लिए। ये क्या लिखा है? मिट्टे के चिट्ठों के लिए रोटी सोटी, चलाने वाला रायता, चलाने वाला रायता भी है यहाँ पर। हमारी मौत में बताएंगे खाने के अंदर क्या क्या मंगवाया है। क्या क्या मंगवाया? मसाला पापड़, पनीर लबाबदार, रेड मलाई कोफ्ता, एक बटर नान विद बटर नान। तो दोस्तों खूब सारी चीज़ें हमने मंगवा ली है। जब तक ये सारी चीज़ें हमारे लिए आती है इस ट्रेन के अंदर, तब तक मैं आपको इस रेस्टोरेंट का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। दोस्तों इधर चलते हैं और इधर खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये देख सकते हैं दोस्तों। मतलब जो भी पुरानी ट्रेन्स थी ना उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आगे और चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फुल साइज रेस्टोरेंट है दोस्तों ये, और यहाँ आने के बाद में आपको मज़ा बहुत आने वाला है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि ये देखिए अपनी तरीके का एक यूनिक सा रेस्टोरेंट जोधपुर के अंदर, देख सकते हैं दोस्तों। एकदम सारा एकदम रेलवे स्टेशन की तरह उसी की तर्ज पे सारा ये बनाया हुआ। अभी हमारे लिए भी ट्रेन से जब खाना आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस रेस्टोरेंट का दोस्तों एक ख़ास बात और, आप इस दीवार पे देख सकते हैं, ये आपको एक पजल टाइप दिख रहा होगा, पर ये एक्चुअली में सारी ट्रेनों के नाम हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आपको मैं इस खूबसूरत रेस्टोरेंट का एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आप भी अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। इसको ट्रेन नहीं लेके आइए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, जल्दी से इसको खाना पड़ेगा क्योंकि ये गल जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हुए सबसे पहले फटाफट जो चीज़ आ गई है उसको तो खाना शुरू करते हैं। और ये है मसाला पापड़ यहाँ का। तो चेष्टा के पिताजी ये बताएंगे कि आपको ये मसाला पापड़ कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जितना मैं सुबह सुबह जाके हैदराबाद में ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ ना, उतना इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म अभी खाली पड़ा है, ना हमारा सामान आया है, ना हमारा खाना आया है, ना ट्रेन आई है। यार सही में ये ट्रेनें कहीं भी टाइम पे नहीं आती है, ना रेलवे स्टेशन पे और ना खाना। तो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं छुप छुप करते हुए। ओह माय गॉड, क्या लेके आई है ये? ओह हो हो, हमारी ट्रेन आ गई है, ये हमारा खाना आ गया। टेस्ट में मजा आया? अब इसको जाने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से आइए, आराम से लेंगे इससे खाना। तो ट्रेन क्या लेके आई है? सबसे पहले बटर नान, ये मस्त सी सलाद, और ये क्या सब्जी थी? मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता और रेड और पनीर लबाबदार। पनीर लबाबदार। तो अभी ट्रेन को वापस भेज दो। तो ये एकदम मलाईदार टेस्टी सा खाना हमारे लिए आ चुका है। और यहाँ पे एक अच्छी बात और, ये जो पिछले रेस्टोरेंट में आपको बताई थी मैंने,
यहाँ पे भी आपको जो सलाद है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है रेस्टोरेंट से। पिछली बार हम लोग झोपड़ी दोस्तों हम लोग झोपड़ी रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे भी जैसे ये जो सलाद था वो कॉम्प्लीमेंट्री था, तो यहाँ पे भी सलाद कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये अच्छी बात है। तो जैसे कि सब जगह है ना, ये जो सलाद है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, क्यों सही कह रहा हूँ ना, सलाद सब जगह कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए दोस्तों। खाना आ गया है दोस्तों, बिना खाने को ठंडा करे हुए जल्दी से खाके चेक करते हैं कैसा टेस्ट है। टेस्ट बहुत अच्छा है, हालांकि हम लोग यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं, टेस्ट वाकई अच्छा है दोस्तों। तो हम लोग इतने सारे थे तो हमने यहाँ पे डिमांड करी थी, रिक्वेस्ट करी थी कि भैया हमारे लिए सलाद ज़्यादा चाहिए, तो देखिए हमारे लिए ट्रेन भर भर के सलाद लेके आ गई है। और बताओ और क्या लोगे दोस्तों, एक ट्रेन से और क्या काम करवाओगे? काम के वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, कैसे लगा आपको वीडियो, लाइक करो, जरूर करो, कमेंट करो, जरूर सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज हम अच्छे से बहुत अच्छा यम्मी 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 भी खाना खाया है, आप लोग भी आइए हमारी तरफ और इस रेस्टोरेंट में विजिट कीजिए और खूब सारा अच्छा खाना खा के जाइए। अगर आपको भी इस जगह पे आना है दोस्तों तो आ सकते हैं, बहुत ही शानदार जगह है ये, और आपके लिए हमने एक और नई जगह को एक्सप्लोर कर दिया है, क्योंकि जितना पुण्य का काम आपको पता है लोगों को खाना खिलाना होता है, उतना ही पुण्य का काम होता है लोगों को खाने की अच्छी अच्छी जगह बताना। तो चैनल को आज का ये रेस्टोरेंट था वेजिटेरियन, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अगले नए रेस्टोरेंट।